खास करेंगे, बात करेंगे भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है जब चुनावी रैलियों पर रोक लगाकर डिजिटल रैलियों के निर्देश जारी हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 15 जनवरी तक रैलियों पर रोक रहेगी और वर्चुअली रैली करने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना को रोकने के लिए भीड़ को रोकना जरूरी है। देखने वाली बात होगी कि नए माहौल और नए हालातों में 10 मार्च को किसकी सरकार बनती है। तो इस बार के चुनाव की अगर बात की जाए तो एक बात खास है कि इलेक्शन के ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग ने ये निर्देश दिया है कि 15 जनवरी तक कोई भी पार्टी रैली या रोड शो नहीं करेगी। यह निर्देश कोरोना की रोकथाम के मद्देनजर लिया गया है। ये भी बता दें कि नई जो कई विपक्षी पार्टियां हैं, जो कई देश की विपक्षी पार्टियां हैं, इससे खुश नहीं है ये नियम जो लागू किए गए हैं। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक राजनीतिक रैलियों पर रोक लगाई है। इसके बाद चुनाव आयोग स्थिति की समीक्षा करेगा और तब तय किया जाएगा कि आगे रैलियां और रोड शो की अनुमति दी जाएगी या नहीं। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से वर्चुअल रैली और प्रचार करने के लिए कहा है, लेकिन चुनाव आयोग के इस फरमान पर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मजबूत है, लेकिन कई पार्टियां इतनी सशक्त नहीं हैं, इसलिए चुनाव आयोग को चाहिए कि वो ऐसी पार्टियों को फंड मुहैया कराए। कहीं न कहीं उसमें स्पेस उन दलों को नहीं मिलेगा जिन दलों की सरकारें नहीं हैं, उसमें तो बीजेपी नंबर वन है। इसलिए इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं इन चैनलों पर, चाहे वो प्राइवेट चैनल हों, चाहे वो नेशनल चैनल हों, सरकार के चैनल हों, उन चैनलों पर कैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी जिनकी सरकारें नहीं हैं, जो रीजनल पार्टी, उन्हें स्पेस कैसे मिले, इसके लिए इलेक्शन कमीशन को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑफिस की तरफ से किए गए ट्वीट में अखिलेश यादव पर तंज कसा गया। इस ट्वीट में लिखा है, बबुआ बता रहे हैं कि भाजपा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर हावी है, दरअसल अब बबुआ पर हार का डर हावी है। खैर, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर हो, अब आपकी रेलगाड़ी छूट चुकी है। सुनो बबुआ, फिर आ रहे हैं महाराज जी। जी न्यूज के साथ खास बातचीत में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए अपना चुनाव अभियान चलाएगी। जो एक रास्ता निकाला है कि आप वर्चुअल तरीके से कार्यक्रम कर सकते हैं, एक्चुअल तरीके से करने का समय फिर आएगा, तब एक्चुअल तरीके से करेंगे। लेकिन अभी हम चाहे वर्चुअल हो, चाहे एक्चुअल हो, चाहे 5 लोग जाएं, चाहे 500 लोग जाएं, चाहे 5000 जाएं, चाहे 50000 जाएं, चाहे 500000 लोग आए जाएं, हर प्रकार की भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है। वैसे सिर्फ समाजवादी पार्टी ने ही नहीं, कुछ और विपक्षी पार्टियों ने भी वर्चुअल रैली करने के चुनाव आयोग के निर्देश पर सवाल उठाए हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज की जाएगी, देखिए सरकार में बीजेपी है, केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश में भी, उनकी रीच बहुत है। ऐसा ना हो कि जो सरकारी नेता हैं, जो सरकार की तरफ से, तो पूरा पूरा दिन चलाया जाए, उनकी बात रखी जाए और विपक्ष के लोगों को एकदम जीरो कर दिया जाए, उनकी बात पहुंचे ना। बहरहाल राजनीति के तकाजे अपनी जगह हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण को रोकना सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इसी वजह से चुनाव आयोग ने चुनावी रैलियों और रोड शो पर पाबंदी लगाई है। लखनऊ से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।